आनंद आया होगा जब मेरा रंग दे बसंती चोला कहते हुए भगत सिंह फांसी पर चढ़े होंगे। खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है। अब वो समय नहीं कि किसी कृष्ण से कहें आओ हमारा चीर बढ़ाओ। जिस गीत के लिए मुझे आदेशित किया गया है वो गीत सुनाती हूँ, और ये गीत सुनाते हुए मैं हमेशा अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ, क्योंकि माँ शारदे ने एक ऐसा वरदान मुझे दिया। मुझे लगता है मेरी कलम से कुछ एक ऐसी अच्छी चीज़ों में एक और श्रेष्ठ गीत निकला जिसने मुझे पहचान दी। मेरे बचपन का गीत है। बचपन से कहने का मतलब ये है कि आपको शिल्प में वो श्रेष्ठता नहीं दिखाई देगी शायद, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप केवल मेरे भावों के साथ यात्रा कीजिए। मैं इस गीत को पढ़ती हूँ और उससे पहले केवल एक बात कहती हूँ। हिंदुस्तान में पिछले दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हम सब मनाते हुए हर घर तिरंगे की बात कर रहे थे, उन दिनों बहुत सारी टिप्पणियाँ इस देश में सुनाई दी। मैं आज इतना समय भी नहीं और इतनी बात भी नहीं, मैं उस ट्रैक तक बिल्कुल नहीं पहुँचूंगी। मैं सीधे सीधे उस बात को कहती हूँ, वो सैनिक जो इस समय सीमा पर तैनात हैं, वो ड्यूटी पर तैनात वर्दीधारी जो हम सबके बीच में ड्यूटी पर तैनात हैं, एक बार कल्पना करना कि यदि वो सैनिक वहाँ सीमा पर तैनात ना हो तो क्या ये संभव है कि हम अपने घरों में चैन की नींद सोएं? क्या ये संभव है कि हम अपने घरों में होली ईद दिवाली त्यौहार मनाएं? क्या ये संभव है कि इस प्रकार के आयोजन अमरेंद्र जी आप कर लें और हम सब इस आयोजन का हिस्सा बन जाएं? क्या ये संभव है? यदि ये संभव नहीं तो चाहे कोई सा भी प्रोग्राम हो, चाहे कोई सा भी कार्यक्रम हो, चाहे कुछ भी हो, भारतीय होने के नाते हम सबका धर्म है कि वहाँ जो सीमा पर तैनात सैनिक हैं उन तक सैल्यूट पहुँचाएं, धन्यवाद पहुँचाएं, और हमारे बीच में जो ड्यूटी पर तैनात वर्दीधारी हैं उन्हें बार बार धन्यवाद करें, उस ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उनके कारण हम यहाँ उपस्थित हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और ये हमारा धर्म है हर धर्म से बढ़कर, क्योंकि क्या चमत्कार होता होगा। पिछले दिनों अभी आदरणीय सौरभ सुमन जी ने एक बात कही कि नेताओं ने इस तरह की बात कर दी, जिम्मेदार व्यक्तित्व ने इस तरह की बात कर दी। अभी वो अंकिता के साथ जो दुर्घटना घटी उसमें भी सीएम साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, बहुत दुख होता है जब इस प्रकार की बात कही जाती है। एक छोटी बच्ची यहाँ जब घूम रही थी अभी वहाँ बैठी है, ये पिता ये भाई, इन सबसे एक निवेदन करती हूँ, अपनी बेटियों को एक बात जरूर बताना, अब वो समय नहीं कि किसी कृष्ण से कहें आओ हमारा चीर बढ़ाओ, अब वो समय नहीं कि हम भीष्म से कहें आओ ये जख्म देखो, अब वो समय नहीं कि हम किसी से कुछ भी कहें, अब आपको अपनी बेटियों को ये बताना होगा। जब ये थोड़ी बड़ी हो और समझने लग जाए तो इसे रिकॉर्ड कीजिए और इसे बताइए, और मैं आप तक इस आश्वस्त होते होते इस बात को पहुंचाती हूँ, इस विश्वास के साथ इस बात को पहुंचाती हूँ कि ये हर नारी तक बात पहुंचेगी, और वो बात ये है कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है। पिछले दिनों सर कटे हुए धड़ जब हिंदुस्तान की ड्योढ़ियों पर आए तब एक घर की घटना बताती हूँ, आप सबने देखा होगा, जब हमारे शहीद सैनिक हमारे सर कटे हुए धड़ हमारे ड्योढ़ियों पर आए, एक घर की घटना बताती हूँ। एक नई नवेली दुल्हन जिसके हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, वो अपने पति को अभी ढंग से जानती भी नहीं थी और उसे सूचना मिलती है कि उसका पति शहीद हो चुका है। जब सर कटा हुआ धड़ उसकी देहरी पर आता है, देखिएगा क्यों मैंने ये गुहार लगाई कि हम सबको साथ होना चाहिए, क्या करिश्मा होता है, क्या अतिशय होता है जब ये पागल मस्ताने दीवाने लोग सीमा पर जाते हैं और हमारे लिए अपनी सांसें दे करके आते हैं, हमारे लिए अपनी जान दे देते हैं, क्या अतिशय होता होगा, क्या चमत्कार होता होगा। वो सर कटा हुआ धड़ आया, वो शहादत
से भरा हुआ वो शहीद का शव जब वहाँ पहुँचता है तो उसकी नई नवेली दुल्हन उसे देखकर रोने लग जाती है। अंदर से बहन आती है और अपनी भाभी को ढाढ़स बंधाती है, भाभी के दोनों हाथ पकड़ती है और भाभी से कहती है, भाभी से क्या कहती है सुनिएगा। हमारे कुनबे के बड़े कवि आदरणीय ध्रुवेंद्र भदौरिया जी, जिनकी ये पंक्तियाँ मैं गीत को आत्मा देने के लिए उनसे लेती हूँ और आपके बीच कोट करती हूँ। कहीं ध्रुवेंद्र जी ने कहा, वो ननद अपनी भाभी से कहती है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। इस सभा में, इस प्रांगण में आप में से यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा बैठा है जो ये सोचता हो कि हम क्या सुनने आए थे, हम यहाँ पर हास्य व्यंग पर ठहाके लगाने आए थे और यहाँ पर ये क्या चल रहा है, तो मैं उन्हें ये बात बता दूं कि आप हास्य व्यंग पर ठहाके भी तब लगा सकते हैं तब जब हम उनका धन्यवाद शत शत बार करें। उनके बारे में ये बात सुननी जरूरी है, ये कहना जरूरी है, ये करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। तब कहती हूँ, वो ननद अपनी भाभी से कहती है, ध्रुवेंद्र जी कहते हैं कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी, भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था। देखिएगा कैसे वो घर परिवार गांव शहर, ये पूरा देश, ये पूरा संसार, ये ब्रह्मांड कैसे उनकी शहादत को मान देता है, हम तो हैं ही क्या। वो ननद कहती है, जैसे ही सर कटा हुआ धड़ देखकर नई नवेली दुल्हन रोती है तब, कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। हम सोचते हैं ये ऐसे दीवाने कैसे होते होंगे, ये जानते हैं कि जिस समय ये वर्दी धारण कर लेंगे उस समय अपनी सांसें इस देश के नाम कर देंगे। अब तो कहीं भी कैसे भी आपको ज़रूरत नहीं कि युद्ध में जाकर लड़ें तभी जाकर के आप शहादत को प्राप्त होंगे। आप जानते हैं कभी भी कैसे भी क्या होता होगा, क्या चमत्कार। एक दृश्य रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। बिखर कर शौर्य की खुशबू, सुनिएगा। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। क्या आनंद आया होगा जब मेरा रंग दे बसंती चोला कहते हुए भगत सिंह फांसी पर चढ़े होंगे। क्या 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 सोचा होगा कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। अनामिका बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। मैं क्रांति धरा मेरठ से आती हूँ, बुंदेलखंड की बेटी हूँ, मेरठ की बहू। मैंने ऐसे दृश्य अपनी आंखों से भी देखे हैं पिछले दिनों। मैं भूमिका बहुत शॉर्ट करती हूँ, बस उस गीत को, 3 मिनट का गीत है, आप तक पहुँचाती हूँ। एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौट कर वापस नहीं आएंगे। आंगन में मौन स्तब्ध माँ बैठी है, माँ को देख कर वो अपनी माँ से क्या प्रश्न करता है। एक घर का दृश्य देखिएगा, गीत प्रारंभ करती हूँ। दीपावली का समय है, वो घोर अंधेरी रात उसके जीवन की, सुनिएगा।
चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना। मैं अभी तक आपसे तालियों के लिए निवेदन किया, मेरा मन है अब कोई भी ताली तब तक ना आए जब तक मैं उस बेटे के लिए आशीर्वाद ना मांगू। बस आपकी संवेदनाएं, मौन मुखरता मुझे चाहिए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मन स्वागत है नामी। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, दो तीन दिन से अपनी माँ की स्थिति को देखता है और माँ को देखकर माँ से क्या कहता है, सुनिएगा भाई सब सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन गिफ्ट्स को देखकर अपनी माँ की गोद में वापस आता है और वही प्रश्न करता है, वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, वो 8 साल का बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंग घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, मैं आप सबके आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ, यदि एक भी आंसू आपका छलका तो मेरे गीत की सार्थकता होगी। वो बेटा माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें झकझोड़ता है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, उस पत्थर हुई माँ को हिलाता है और वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। दो दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, दो दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। मैं सदन में नम आंखें देख रही हूँ, ये मेरे गीत की सार्थकता है कि आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ के बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और मित्रों विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक तक उस लाश को देखता है,
एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। गीत का अगला और अंतिम बंद रखती हूँ। मैं नम आँखें देख रही हूँ। मैं मेरे भाई को बहुत नमन करती हूँ जो आपने इन पंक्तियों पर अपनी संवेदनाओं को समर्पित किया। अब मैं एक और बात अधिकार से मांगती हूँ। वो बेटा अपनी माँ को क्या प्रतिउत्तर देता है? यदि आपको लगे कि हिंदुस्तान के हर बेटे को यही प्रतिउत्तर देना चाहिए, तब अब आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस बेटे तक आशीर्वाद बनकर पहुंचे जो उत्तर मैं देने जा रही हूं। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार।